हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सिमरन गुम्बर। आज की इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का टॉपिक 2, प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम इसका कॉन्सेप्ट जो कि था मेन प्रिंसिपल, इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, वो समझ चुके हैं। सो लेट्स बिगिन विद द पास्ट ईयर्स क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम आज डिस्कस करेंगे, ये सीटेट जून 2011 में पूछा गया था। डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। डेवलपमेंट कभी नहीं रुकने वाला प्रोसेस है। दिस आइडिया इज एसोशिएटेड विथ, अब ये जो डेवलपमेंट है वो प्रोसेस कभी नहीं रुकता, ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? हम एक एक करके सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे। पहला, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। नहीं, इंटर रिलेशन तो ये कहता है कि जो हमारे अलग अलग डोमेन्स की डेवलपमेंट है, लेट सपोज लैंग्वेज डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो ये आंसर नहीं है। सेकेंड, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। येस, दिस इज द करेक्ट आंसर, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। बच्चे के जन्म लेने से मरने तक उसकी बॉडी में कोई ना कोई चेंजेस, कोई ना किसी तरह की डेवलपमेंट होती रहती है। वर्म टू टॉम हमारी डेवलपमेंट चलती रहती है, तो ये दिस इज द करेक्ट आंसर। लेकिन हम बाकी प्रिंसिपल्स भी पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, इसमें भी वही बात कही है कि सारे डोमेन्स एक दूसरे से इंटीग्रेटेड हैं। फोर्थ, प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन, वही लैंग्वेज डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अगला क्वेश्चन जैन 2012 में आया था। अब यहाँ पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है? पहला, ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड। रॉन्ग, हमें पता है सारे प्रोसेस डेवलपमेंट के कनेक्टेड होते हैं, तो ये गलत है। इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल। येस, दिस इज द करेक्ट आंसर। हमारी जो डेवलपमेंट होती है सबके लिए सेम पेस पे नहीं पड़ती ना, क्योंकि हमने पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, सब बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, सब अपनी अपनी पेस पे बढ़ते हैं, तो ये करेक्ट आंसर है। हम फिर भी बाकी ऑप्शंस पढ़ेंगे। डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर। नहीं, रॉन्ग, हमारी डेवलपमेंट स्पाइरल होती है, इस तरीके से पहले बड़ी, रुकी, जैसे ये होता है ना, ऐसे स्पाइरल, ऐसे हमारी डेवलपमेंट होती है। यहाँ से जैसे स्टार्ट हुई बड़, रुकी, स्टॉप हुई, फिर यहाँ से आगे गई बड़ी, तो ये स्पाइरल होती है ना कि लीनियर। इट इज अ डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस। रॉन्ग, डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या है, इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल। अगला हमारा क्या है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है? ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर इम्पॉर्टेंट। यस, ये तो है। अब इसमें नॉट लिखा हुआ है, हमें नॉट देखना है, ये तो है। ऑल डेवलपमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंटरैक्शन ऑफ मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस, ये भी है। हमें पता है कि हमारी जितनी भी वो होती है, डेवलपमेंट होती है, मैचुरेशन और एक्सपीरियंस के इंटरेक्शन से होती है। उसके बाद हमारा थर्ड, ऑल डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसीड एट इक्वल रेट। नहीं, रॉन्ग, हमारी डेवलपमेंट और लर्निंग इक्वल रेट पे प्रोसीड थोड़ी होती है, सबकी अलग अलग तरीके से होती है, अलग अलग पेस पे होती है, और हमसे पूछा भी नॉट है ना, तो इसका ये करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ेंगे, ऑल डेवलपमेंट फॉलोज अ सीक्वेंस। यस, हमारी जितनी भी टाइप की डेवलपमेंट होती है वो एक सीक्वेंस को फॉलो करती है, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसीड एट इक्वल रेट, ये हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। उसके बाद अगला, द पेस ऑफ डेवलपमेंट वेराइज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर बट इट फॉलोज डैश पैटर्न। टो टू हेड, नहीं, हेड टू टो होता है, ये तो गलत है। हैपजार्ड, नहीं, किसी भी तरीके से डेवलपमेंट हो जाती है, नहीं। अनप्रिडिक्टेबल, रॉन्ग। असीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली, यस, हमारी जो डेवलपमेंट होती है एक सीक्वेंशियल ऑर्डरली पैटर्न को फॉलो करती है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आपने देखा, जैसे हमने अगर प्रिंसिपल्स अच्छे से पढ़े हुए हैं तो हम कितनी क्विकली ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। अगला, ये सितंबर 2015 में आया था क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम डैश टू डैश। अब हमारी डेवलपमेंट कैसे से कैसे बढ़ती है, कॉम्प्लेक्स टू हार्ड, नहीं, स्पेसिफिक टू जनरल,
नो, सिंपल टू इजी नो, जनरल टू स्पेसिफिक यस. हमने पढ़ा था ना डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. पहले बच्चा पूरे हाथ से पकड़ता है अब पेन को, और फिर धीरे धीरे उसका फिंगर्स पे कंट्रोल आना स्टार्ट होता है, तो दो फिंगर्स से पेन को पकड़ के लिखना स्टार्ट कर देता है. तो दिस इज द करेक्ट आंसर, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. अब हमारा अगला क्वेश्चन, ये सितंबर 2016 में आया था. द सिफेलोकोडल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन हाउ डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम. हमने पढ़ा था ना सिफेलोकोडल प्रिंसिपल, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस फॉलो करता है हेड टू टो. तो बस हमें वही करना है, डिफ्रेंशिएटेड टू इंटीग्रेटेड. नहीं, इसकी तो कहीं बात ही नहीं हुई थी सिफेलोकोडल प्रिंसिपल में. हेड टू टो, यस दिस इज द करेक्ट आंसर. सिफेलोकोडल प्रिंसिपल हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस फॉलो करता है, जो है हेड टू टो. पहले हेड पे कंट्रोल आएगा, फिर धीरे धीरे शोल्डर्स पे, और फिर नीचे की बॉडी पे. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. इसके साथ साथ हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट का सेकेंड टॉपिक के पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस खत्म होते हैं. हम हमारी अगली वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट का थर्ड टॉपिक स्टार्ट करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक, कमेंट बिलो आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल.